सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं होता, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को कभी समझ नहीं सकते। हम लोग को देखिए, हम भी ऐसे ही हैं, बिना कारण चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन तो मिला है, जिंदगी तो सबको मिल गया, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते। हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन क्यों मिला, हम कहां से आए, हम कौन हैं, मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान ने मुझे इस संसार में क्यों भेजा, मुझे क्या चाहिए, हमें यही बात तो पता नहीं है। इसलिए हम जिंदगी से परेशान हैं। जैसे आत्मदेव जी ने सोचा कि संतान नहीं तो मर जाऊं, ऐसे जिंदगी जीने से क्या, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर दो। और ऐसा ही मैंने कई लोगों को देखा, छोटी छोटी चीज को लेकर के। अब आजकल के बच्चों को देखिए, कम उम्र में 10 के एग्जाम में फेल हो जाए तो सोच लेते क्या मुंह दिखाएंगे घर में जाकर के, मम्मी पापा को क्या कहेंगे। देखिए, सच का सामना करना सीखिए। जो व्यक्ति सच को, सच्चाई को स्वीकारता है ना, वो ज्यादा देर तक परेशान नहीं रहता। एक बार फेल हो गए और सोच लेते हैं कि आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, ये बहुत गलत है। एक पल के एक छोटा सा डिसीजन लेकर के हम अपने आप को खत्म कर देते हैं। कितना बड़ा संकट क्यों ना आए, विस्तार से सोचिए, चिंतन करिए। अगर व्यक्ति विस्तार से चिंतन करता है तो व्यक्ति बड़े बड़े संकट को पार कर सकता है। दुख सबके जीवन में आते हैं, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही यही है, दुख है और फिर उसके बाद सुख भी आएगा, सुख के बाद दुख भी आएगा। ऐसा नहीं कि सुख जीवन में है तो वो कंटिन्यू चलेगा, नहीं, कुछ क्षण के लिए सुख है। जैसे आप पिक्चर देखते हो और जो सीन आपको दिखाया जाता है, आप सोचो कि ये कंटिन्यू हो, ये वाला सीन यहां से मूवी से ना हटे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि फिल्म पिक्चर बन चुका है, आप बाद में देख रहे हैं, पहले बन चुका और बाद में आप देख रहे हैं, और जैसा उसको बना करके तैयार किया गया वही दिखाया जाता है। इसलिए जीवन रूपी जो पिक्चर है पहले से बन चुका है। आपके आपके भाग्य में क्या लिखा गया, आपके साथ में क्या क्या होना है, कब सुख आना है और कब दुख आना, पहले से बन चुका है। और अभी हम उस पिक्चर को, उस लिखा गया जीवन को हम जी रहे हैं। जिंदगी में कभी खुशियां आते हैं, कभी गम भी आते हैं, और इसको हमें शांति से झेलना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होगा, जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ा होगा, वो व्यक्ति बड़े बड़े संकट को समझ सकता है। बड़े बड़े संकट को पार कर सकता है। बस आपको थोड़ा सा दुख सहना है, थोड़ा सा परेशान को सहना है, झेलना है। इसलिए छोटी छोटी बात में परेशान ना हुआ करें, शांति से चिंतन करें। जिंदगी का नाम ही दुख और सुख है, जीवन है तो यहां कभी खुशियां मिलेंगे, कभी गम मिलेगा, सबको सहन करना हमें चाहिए, और भगवान वो शक्ति देगा।
एक जगह लिखा हुआ था, मरने के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा जहर काफी है। मरने के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा जहर काफी है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारे जहर को घुटकना पड़ता है। बहुत कड़वे चीज को सहन करना पड़ता है, तब हम जिंदगी को जी सकेंगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े के चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। प्यार से बोलो। इसलिए जीवन में संघर्ष को सहन करना सीखिए। हमें क्या करना है, बस अपने जीवन को भक्ति की ओर मोड़ना है, भगवान के चरण में जोड़ना है, फिर जीवन को जी करके देखिए वास्तविक जीवन आप जी पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कैसा चल रहा है, जवाब मिलता है भाई कट रहा है, जीवन को काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों टाइम पास करते हो, जीवन को क्यों काटते हो? हर चीज को देखने के लिए दो पहलू हैं। आप सकारात्मक रूप से देख सकते हैं, नकारात्मक रूप से आप देख सकते हैं। आप सोच लीजिए तो आप हर एक चीज को पॉजिटिव वे से आप देख सकते हैं। और अगर हमारा थिंकिंग, हमारा सोच पॉजिटिव रहता है, तो हमें हर एक चीज सकारात्मक नजर आता है। और हमारा सोच ही नेगेटिव हो तो हमें कहीं भी अच्छाई नहीं दिखती। इसलिए सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन को काटिए मत। भक्ति पथ से जुड़िए, धर्म के पथ में अपने जीवन को लगाइए। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। बहुत बड़ा पहाड़ है और दो व्यक्ति को पहाड़ के चोटी में जाना है, और एक के हाथ में बहुत बड़ा थैला है और एक खाली है, तो आप बताइए कौन सा सबसे पहले ऊपर जाएगा, कौन सा जाएगा जिसके पास में भारी ना, जिसने बोझा ना ढोया हो, वो सबसे पहले जाएगा। इसका मतलब अपने जीवन को बहुत हल्के से भगवान के चरण में जोड़ करके, हर एक बोझ को उतार करके, केवल भगवान के चरण में अपने मन को लगा करके चलिए, आप बहुत जल्दी भगवान के चरण में पहुंच पाओगे। प्यार से बोलो।